लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला, अखिलेश और राहुल की जोड़ी को बताया दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म। यहाँ उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कहिए, इसके साथ ही एसपी स्तर के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिन संभावित जगहों पर आत्मघाती हमले का खतरा हो सकता है वहां जाकर खुद सुरक्षा के हालात की समीक्षा करें। इसके साथ ही अफसरों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए गए। संदेश खाली कांड बंगाल की सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। संदेश खाली में हुई शर्मनाक घटना पर जहां सियासत अपने शबाब पर है, तो वहीं अब कलकत्ता हाई कोर्ट भी सख्त हो गया है। हाई कोर्ट में संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की जांच के लिए बने आयोग के गठन पर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही संदेश खाली पीड़ितों के आरोप 1% ही सच क्यों ना हो, वो शर्मनाक हैं। अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार हैं। सुनवाई के बाद मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बोले तो अटकानो जाबे ना, जाएनी जाबे ना। যা পরিস্থিতি আছে সেটা আমি একদম পরিষ্কার দেখিয়েছি। আমি কোর্টের সামনে বলেছি যে যদি আমার একটাও এফিডেভিট ভুল হয়, যদি একটাও জায়গা আপনি প্রুফ করতে পারেন যে আমি সত্যি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিনি, তাহলে যা এরা বলবে সেটা আমি করতে রেডি আছি, ঠিক আছে? কিন্তু ওদের এত সাহস আছে? আর যদি সাহস আছে তাহলে ইনভেস্টিগেশনে ঘাবড়াচ্ছে কেন? संदेश खाली मामले में बंगाल की ममता सरकार चौतरफा घिरती दिख रही है। गुरुवार को कोच बिहार में रैली करते हुए पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। बीजेपी ही है जो यहाँ माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा, उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर बंगाल